शहर के लालपेट ओपन कास्ट खदान में हो रही ब्लास्टिंग से खदान से सटे परिसर में बस्ती में घर पर पेड़ गिरने से घर क्षतिग्रस्त हुआ। शहर के लालपेट ओपन कास्ट खदान में हो रही ब्लास्टिंग से खदान से सटे परिसर के बस्ती में घर पर पेड़ गिरने से घर क्षतिग्रस्त हुआ। बता दें कि इससे पूर्व भी लालपेट खदान में हो रही ब्लास्टिंग से इस परिसर के अनेक घर क्षतिग्रस्त हुए, जिससे यहां के लोगों में भय का वातावरण है। बावजूद इसके वेकोली प्रशासन की ओर से कोई ठोस उपाय अब तक नहीं किए जाने का आरोप स्थानिकों ने लगाया है। इसके पूर्व जो घर क्षतिग्रस्त हुए उन घरों को लीपापोती कर कुछ वक्त के लिए उन्हें शांत किया गया, जिससे यहाँ के नागरिकों में वेकोली प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। ऐसा ही एक मामला फिर एक बार 4 नंबर बस्ती में सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालपेट में रहने वाले बंडू चांदेकर इनके घर पर ब्लास्टिंग होने के बाद एक पेड़ गिरा, जिससे उनका घर क्षतिग्रस्त हुआ। सौभाग्यवश कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन घर क्षतिग्रस्त होने से चांदेकर परिवार पर संकट मंडराया है। इस समय चांदेकर दंपत्ति ने अपनी आपबीती बताते हुए सहायता की गुहार लगाई है। ये कई दिन से दगन कर रहे, तो दीवार करा को गए, वो चौकीदार भी आके देख के गए, तो वो कुछ ये नहीं लिए। अभी दगन कल दगन किए तो ये झाड़ गिर गया। अभी अंदर सो के था सर, बच्चा भी सो के था, अच्छा हो गया, बच्चे के ऊपर नहीं गिरा। मैं जैसे ही चिल्ला के भागी, मेरा बच्चा वो टीवी गई, बोर्ड लाइन बोर्ड गया, सब गया, घर पूरा गया। कूलर के ऊपर नहीं, घर पूरा न पड़ रहा, ऊपर आके पूरे ऊपर बल्ला गिर के बल्ला टूट गए, ये सब कबीले फूट गए। हम कहाँ जाएंगे अब? इतने दिन से विलास्ट दगन कर रहे थे, पूरा दीवार फट फूट गए थे। कितने बार जाके उनको बताए, कोई आके सुने नहीं हमारी बात। कल दगन हुआ, दगन के साथ ही वो झाड़ हिल के पूरा हमारे घर पे गिर गया, पूरा घर गिर गया। मेरे बच्चा मरते मरते बच गया। अब हम क्या करना क्या नहीं करना, जाके हाथ में हत्या कर लेंगे, और कुछ नहीं है हमारे पास में रास्ता, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, हम घर भी नहीं बना सकते अभी। अब कोई भी कुछ ना कुछ विनती करो, हमारा घर बना के दो बोलना, बस हाथ जोड़ के विनती करते हम उन लोग को। ठीक। इसकी जानकारी पूर्व पार्षद श्रीनिवास पारनंदी इन्हें मिलने पर वे मौके पर पहुंचे। इस समय अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्रीनिवास पारनंदी ने वेकोली प्रशासन ने यदि इन हालातों की ओर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन छेड़ेंगे, ऐसी बात कही। दोपहर में अचानक, कल दोपहर में घर पे बंडू चांदेकर घर पे अचानक उन्हें पेड़ गिर गया बाजू में, तो गिरने के वजह से उसका लड़का घर में अंदर सो के था, वो उसको मार लगने की वजह से बाहर आके चिल्लाया कि अरे बहुत जम से पेड़ गिर गया, बोले आजू बाजू वाले इकट्ठा हो गए। और इससे पहले लालपेट कॉलोनी में 4-5 मकान ऐसे मकान ऊपर पेड़ गिरने की वजह से मकान के लोग ने के बाहर जाके रहने लगे। आज बाजू में ओपन कास्ट की वजह से दागन इतना जम से कर रहे, उसके वजह से यानी हमारे मकानों को क्षतिग्रस्त हो रहा, और आजू बाजू पेड़ रहने की वजह से उनके मकानों पर गिरने की ज़्यादा संभावना है। और ऐसे आज से बहुत हो गया अभी तक, फिर भी हमने WCL प्रशासन को बताया कि इसके बारे में दगन बहुत जम से कर रहे हैं आप, उसके वजह से हमारे लोगों का तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रहा, फिर भी वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। और इस बारे में अभी हम पूरे वार्ड के लोग सोच समझ के कुछ और जनाक्रोशन का आंदोलन करने का विचार कर रहे हैं। अगर WCL प्रशासन इसके तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम आंदोलन छेड़ देंगे।